वेलकम बैक, पुनः आपका स्वागत है। स्वागतम, सुस्वागतम। जय राधे। वैसे हम राधा रानी के प्राकट्य के दिन राधा रानी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, कर रहे हो ना? या महात्मा विदुर, अरे वी नीड राधा, वी वांट राधा, वी वांट राधा, राधा रानी की। तो कृष्ण की प्रिया राधा कृष्ण भी स्वागत करेंगे। राधा रानी का जब जन्म होगा तो कृष्ण भी वहाँ आएंगे राधा को मिलने के लिए। हो सकता है राधा को बधाई देने के लिए। कृष्ण भी चाहते हैं राधा को। वैसे कृष्ण तो अपने सभी भक्तों को चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं। वी वांट हरी हरी। किंतु राधा रानी को वे सबसे अधिक चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं। आनंदिनी को भी चाहते हैं, या जय भद्रा को चाहते हैं कृष्णा। किंतु राधा रानी कुछ विशेष महत्व रखती है कृष्ण के जीवन में, इन लाइफ ऑफ कृष्णा। राधा रानी इज नंबर वन। अरे अरे जय राधे। ये राधा रानी का महिमा है। इसको राधा केवल चाहते ही नहीं, सबसे अधिक चाहते हैं। जिस व्यक्ति को तो कितना महिमा हुआ। तो सब गोपियन में बड़ी है राधा ही, और गोपियाँ बड़ी है सभी सभी भक्तों में। या दास्य रस से भी, और सख्य रस से भी, और वात्सल्य रस से भी, माधुर्य रस अधिक मधुर है। हरी हरी। तो इस माधुर्य माधुर्य का पान, मधुर रस का स्वादन कृष्णा गोपियों के साथ, और उनमें भी राधा के साथ करते हैं। सच्चिदानंद बता चुके हैं आपको। ये जो आनंद है, आनंद सत भी है भगवान, अच्छित भी है भगवान,
और आनंद भी भगवान है, आनंद घन भगवान है, ये आनंद, और सभी जीव आनंद देते हैं भगवान को, तो सभी से आनंद प्राप्त करके भगवान अधिक 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 आनंदित होते हैं। किंतु सबसे अधिक आनंद सुख समाधान शांति आपकी भाषा में भगवान को गोपियों से प्राप्त होता है, और ये राधा महाभावा ठाकुरानी राधा रानी से प्राप्त होता है। हे राधे, इसीलिए यह उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी या फिर राधा का और स्थल राधा कुंड भी विशेष महत्व रखता है, या फिर वहाँ जो लीलाएं संपन्न होती है उसमें कृष्ण उस आनंद में गोते लगाते हैं। इति दृक्स्व लीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम अख्यापयंतम, इति दृक्, इस प्रकार की लीलाएं संपन्न करके भगवान आनंद के कुंड भर देते हैं, आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम अख्यापयंतम, ऐसी है उनकी सारी लीलाएं। लीला संपन्न होती है तो लीला के आनंद के फिर कुंड भर जाते हैं, यह आनंद का सागर। तो उन आनंद के कुंडों में, आनंद के सरोवरों में राधा कुंड सर्वोपरि है, ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा, ऐसा प्रारंभ करते हैं। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा, क्यों? क्योंकि मथुरा में जन्म लिए, वैकुंठ में जन्म नहीं होता है भगवान का, तो जन्म लेने का आनंद लूटने के लिए भगवान मथुरा में जन्म लेते हैं। तो वैकुंठ से श्रेष्ठ हुआ मथुरा, फिर मथुरा से श्रेष्ठ है जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदन, केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन, द्वादश 12 वन जो है, ये 12 वन वृंदावन भी इसमें है, ये मथुरा से श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ लीला खेलते हैं भगवान, ये सारा वृंदावन ही लीला स्थली है, इसलिए मथुरा से भी श्रेष्ठ। जन्म तो वहाँ लिया लेकिन लीला खेलने के लिए तुरंत वहाँ से प्रस्थान किए मथुरा से, और वृंदावन पहुँचे, गोकुल पहुँचे, और वहाँ मधुर लीला प्रारंभ हुई। और इन द्वादश वनों से भी गोवर्धन श्रेष्ठ है, ऐसे रूप गोस्वामी लिखे हैं उपदेशामृत में। क्यों? वैसे ये गोवर्धन भी एक अशेष विशेष लीलाओं की स्थली भी है, और इस गोवर्धन को भगवान अपने उंगली पर धारण किए, और हरी हरी अद्रिय बला, देखो देखो ये अबलाओं,
कुछ गोपियां कह रही, ए गोवर्धन को देखो, हरिदास वर्यः, हरिदासों में ये श्रेष्ठ है गोवर्धन। गोप्यः ऊचुः, गोपियों ने कहा कि गोवर्धन श्रेष्ठ है, हरिदास वर्यः। यद चरण स्पर्श प्रमोदः, रामकृष्ण चरणयो स्पर्शः प्रमोदः। और जब कृष्ण और बलराम या लीला खेलते हैं, या कभी चढ़ते भी हैं गोवर्धन पर, चलते हैं, तो अपने चरणों के स्पर्श से ये इस गोवर्धन को प्रमोद, मोद आनंद का ये अनुभव करता है। तो ये श्रेष्ठ है गोवर्धन, हरिदास वर्या। और फिर यहीं पर या इसी गोवर्धन को भगवान धारण भी किए, गिरिराज धरण की। और एक विशेष लीला, या गोवर्धन धारण की लीला ही एक विशेष लीला और एक विशेष अनुभव रहा ब्रजवासियों के लिए। ऐसा अनुभव, ऐसा आनंद और किसी लीला ने उनको नहीं प्रदान किया था। ऐसा कौन सी घटना घटी जब श्री कृष्ण गोवर्धन को धारण किए, ऐसे सारे ब्रजवासी रात और दिन, 7 रात्रि और 7 दिन इकट्ठे रहे और कृष्ण का सानिध्य उनको मिला। कृष्ण के सौंदर्य का, मुखमंडल के सौंदर्य का उपान कर रहे थे और कई प्रकार का आदान प्रदान अखंड, हाँ अखंड हो रहा था। नहीं तो अष्टकाली लीला में के प्रातःकाल के कुछ घंटे नंद बाबा यशोदा को, फिर शाम को बीच बीच में कुछ घंटे ग्वाल बालकों को, फिर मध्याह्न के समय राधा और गोपियों को राधा कुंड में, तो फिर अपराह्न में पुनः गोचारण लीला बालकों को, यू नो लाइक दिस। और शाम को फिर नंद बाबा यशोदा को। तो किसी को भी 24 घंटे किसी को समय प्राप्त नहीं होता था, सानिध्य प्राप्त नहीं होता था। किंतु जब कृष्ण गोवर्धन धारण किए तो वृंदावन का हर जीव वहां पहुंच गया, हर जीव ने आश्रय लिया उस गोवर्धन की छत्र छाया में, आराम और कृष्ण के सानिध्य में आनंद लूट रहे थे अहर्निश। ऐसी और कोई लीला है वृंदावन की, जब सारे ब्रजवासी एक साथ और या अखंड दर्शन और लीला और सानिध्य। तो ये भी कारण है गिरिराज गोवर्धन की। रूप गोस्वामी कहते हैं, द्वादश काननों से श्रेष्ठ है गोवर्धन। इसे गोवर्धन को ब्रज का तिलक भी कहा है। जैसे रघुकुल तिलक श्री राम, तो ब्रज के तिलक है गिरिराज गोवर्धन। और फिर गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है
एक स्थान, और वह है राधा कुंड के, बस दैट्स इट। राधा कुंड से और कोई स्थान श्रेष्ठ नहीं है, राधा कुंड सर्वोपरि है। और राधा कुंड जो राधा का कुंड है, भगवान को उतना प्रिय है, ये कुंड उतना प्रिय है जितनी कृष्ण को राधा प्रिय है। तो राधा प्रिय या राधा प्रिया ही सब सर्वोपरि है, कृष्ण के लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम स्थान है राधा का, कृष्ण के लीलाओं में, जीवन में कहो तो वही स्थान राधा कुंड का भी है। जितना प्रेम कृष्ण का राधा कुंड से है, उतना ही प्रेम राधा से है, क्योंकि राधा का ही कुंड है। तदीयानाम समार्चनम, तो तदीय कृष्ण की राधा, राधा का कुंड, राधा कुंड, तो कृष्ण को राधा भी प्रिय है, राधा तो प्रिय है ही, और साथ ही साथ उतना ही प्रिय है कृष्ण के लिए राधा कुंड। तो सर्वोत्तम लीलाएं ब्रजमंडल की या गोलोक की, वृंदावन की, यह राधा कुंड में संपन्न होती है। जय राधे और जय राधा कुंड। राधा कुंड का, राधा कुंड शाश्वत भी है, ऐसा समय नहीं था जब राधा कुंड नहीं था। जब कही थी राधा कृष्ण को, हमको भी वृंदावन जाना है, भौम वृंदावन, वहाँ प्रकट होना है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, अगर वहाँ जमुना नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ गोवर्धन नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ राधा कुंड नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। तो कृष्ण ने कहा, नहीं, सब कुछ है। या वहाँ भगवान ने उत्पन्न किया या प्रकट किया अपना धाम, ऐसा भी हम सुनते पढ़ते हैं, और फिर राधा कृष्ण प्रकट हुए। लेकिन समझ तो ये है, सिद्धांत कहो या तत्व कहो, धाम शाश्वत है, इटर्नल। तो अभी ऐसी लीलाएं राधा कुंड, राधा कुंड आविर्भाव तिथि भी है, बहुलाष्टमी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, पहली अष्टमी बहुलाष्टमी, दूसरी कार्तिक की अष्टमी गोपाष्टमी। तो बहुलाष्टमी के मध्य रात्रि के समय ये राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। ये जब हम कहते तो मुझे उस बात का विस्मरण होता है। और उसी दिन 1972 में श्रील प्रभुपाद हम कुछ शिष्यों को दीक्षा भी दिए, और मैं भी दीक्षित हो गया उसी दिन।
हे राधे, हे राधा कुंड की। तो मेरे जन्म का, मेरे दिव्य जन्म का संबंध राधा कुंड के प्राकट्य दिन से भी प्रभुपाद जोड़ दिए। क्या हुआ? जय राधे, श्याम कुंड, राधा कुंड। तो एक कुंडों का निर्माण हुआ उसी रात्रि को। ऐसी भी लीला है। और कैसे यानी केसी, नॉट केसी, दैट द बुल डीमन, क्या वृषभासुर, अरिष्टासुर, वृषभासुर भी, अरिष्टासुर, अरिष्ट नाम का सुर में से राधा और कृष्ण और गोपिया में से इकट्ठा होने लगी थी। रास क्रीड़ा संपन्न होने की तैयारी थी। तो इतने में अरिष्टासुर का आगमन हुआ और फिर तो भगवान भगवान के रास क्रीड़ा में उसने विघ्न डाला। सब अरिष्टासुर जिस प्रकार से वो आधमका और इतना भारी, और वो जब दौड़ता तो उसके साथ धरणी कंप हो रहा था। तो वो आप कल्पना कर सकते हो कितना भय उसने उत्पन्न किया होगा वहाँ। तो गोपियाँ भी फिर भयभीत हुई और भी जन जहाँ तहाँ थे। तो उन सभी को भय से मुक्त करने के लिए कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया। और फिर विघ्नों को हटा दिया। तो कृष्ण रास क्रीड़ा के लिए तैयार थे, किंतु राधा और गोपियों ने कहा, नहीं 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 दूर रहो, दूर रहो, तुम पापी हो, तुमने बैल का वध किया। बैल तो धर्म का प्रतीक होता है, उसका वध करके हे कृष्ण तुमने अधार्मिक कृत्य किया हुआ है, तुम दूषित हो, तुम अपवित्र हो, अस्पृश्य हो, दूर रहो। ऐसे लीला फिर राधा और गोपियों ने कहा था, अभी तुमको संसार की जितनी भी पवित्र नदियां हैं, पवित्र कुंड है, उन सभी में स्नान करना होगा। और फिर जब पाप से मुक्त हो जाओगे तो फिर आ जाना वापस, फिर हम सोचेंगे तुम्हारे साथ ये रास क्रीड़ा खेलने की बात। तो फिर कृष्ण ने युक्ति पूर्वक ऐसे सारे सारे संसार भर के पवित्र नदियाँ और कुंड वैसे वे समक्ष प्रकट हुए। मूर्तिमान गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती, सन्निधिम कुरु। तो नदियाँ प्रकट हुई, कुंड प्रकट हुए, और उन्होंने कि हम आपकी सहायता कर सकते हैं, श्योर। तो कृष्ण अपने एडी से
जमीन में गड्ढा बनाया और धीरे धीरे वो गड्ढा एक विशाल कुंड बना। और ओके गो अहेड, तो सारे नदियों को भगवान अनुमति दे दिए, ठीक है अपने जल से भर दो इस कुंड को। तो श्याम कुंड जल से भर गया, या श्याम ने बनाया उस कुंड को। अब ये जल से भर गया तो उस कुंड का नाम हुआ श्याम कुंड। तो कृष्ण ने स्नान किया, हो गए पवित्र। हो गए सारे पाप से, पाप सारे धुल गए। अरे अरे, तो फिर कृष्ण कहते हो कि आई एम रेडी, किंतु मैं तुम अभी मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, तुम भी पापी हो, तुमने झूठा दोषारोपण लगाया मुझ पर। मैंने तो विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधुनाम, आप भक्तों की रक्षा के लिए मैंने उस दुष्ट का संहार किया, उस अरिष्टासुर का वध किया, मैंने तो धार्मिक कृत्य किया, मैंने तो सभी के कल्याण के लिए कृत्य किया था, लेकिन तुमने कहा कि मैंने पाप किया, मैं पापी हूं। और तो ये सारा दोषारोपण, तो तुम पापी हो ऐसा सोचने वाली, तो दूर रहो, मेरे पास नहीं आना। रास क्रीड़ा तब तक नहीं होगी जब तक अब तुम संसार के सारे पवित्र नदियों में, कुंडों में तुम स्नान करके लौट जाओ। आई विल वेट हियर। तो फिर गोपियों और राधा के समक्ष ये बहुत बड़ी आपत्ति खड़ी हुई, लेकिन क्यों नहीं, वो भी तैयार थी। तो उन्होंने कुंड बनाया, खुदाई की, अपने बैंगल्स कहते हैं हाँ, उसी से खुदाई कर रही थी। अपनी जो चुड़िया है उसको तोड़ा, और तो बहुत समय बीत गया और अभी कुंड तो बन गया, लेकिन अभी भरेगी कैसी। तो मानसरोवर पहुंच जाती है, गोवर्धन में मानसरोवर है, तो वह मानसरोवर, तो वहाँ से जल लाना प्रारंभ किया उन्होंने। हाँ, मानसरोवर से राधा कुंड तक, वो सभी खड़ी हो गई पंक्ति में, एक के पास दूसरी के पास, और एक घड़ा भर देती थी मान सरोवर का जल से, दूसरे के बाद ऐसे लगता, और जो राधा कुंड के तट पर खड़ी थी वो भर रही थी, कुंड को भर रही थी। तो इतना विशाल कुंड, और बहुत देर लग रही थी, न जाने सदियां बीत जाती इस कुंड को भरते भरते। तो हुआ, तो कृष्ण ने फिर प्रस्ताव रखा कि मेरा कुंड तो पवित्र नदियों से के जल से भरा ही है, क्यों ना मेरे कुंड का जल तुम्हारे कुंड में आ जाए और तुम्हारे कुंड को भर दे। तो शुरुआत में तो तैयार नहीं थी, किंतु मान गई राधा और गोपियाँ। और फिर मध्य रात्रि के समय, एग्जैक्टली एट मिड नाइट,
श्याम कुंड का जल राधा कुंड में प्रवेश किया और उस कुंड को भर दिया री री। और सभी ने स्नान किया एंड नाउ दे वर रेडी टू डांस विद कृष्णा। तो फिर रास क्रीड़ा संपन्न हुई राधा कुंड के तट पर। और फिर कृष्ण कहे थे, तुम्हारा कुंड प्रसिद्ध होगा, मेरा भी कुंड है श्याम कुंड, किंतु मेरे कुंड से तुम्हारे कुंड की महिमा अधिक होगी, तुम्हारा कुंड अधिक प्रसिद्ध होगा। ऐसी घोषणा की है और हम अनुभव भी करते हैं कि कैसे, या तो राधा कुंड वैसे है ही सर्वोपरि, जैसे रूप गोस्वामी समझाए हैं। तो गोलोक में या गोलोक वृंदावन में या गोकुल वृंदावन में सर्वोच्च स्थान या स्थल कोई है तो वह है राधा कुंड, राधा का कुंड, जिस कुंड में और फिर कुंडों के तट पर जो लीलाएं संपन्न होती है और जो प्रतिदिन होती है हर मध्याह्न के समय राधा कुंड के तट पर मध्याह्न लीला, अष्टकालीय लीलाओं में से बिगिनिंग विथ 10:30 AM 10:30 प्रातःकाल के या बिफोर नून के 10:30 से लेकर 3:30 बजे तक ये जो कालावधि है काफी लंबा समयावधि है। अष्टकाल कालों में से और काल तो थोड़े कम समय वाले हैं, लेकिन ये काल थोड़ा अधिक लंबा है। हाँ री री। तो वह तो उस मध्याह्न काल की नित्य लीला, अप्रकट लीला, नित्य लीला प्रतिदिन संपन्न होती है राधा कुंड के तट पर। तो ये राधा कुंड स्थलों में भी सर्वश्रेष्ठ है, सभी स्थलों में राधा कुंड श्रेष्ठ है और सभी लीलाओं में भी ये माधुर्य लीला या श्रृंगार रस की लीलाएं, राधा कृष्ण गोपी कृष्ण की लीलाएं जो राधा कुंड के तट पर होती, वो लीलाएं भी सर्वोपरि है। लीला स्थली और वहाँ की संपन्न होने वाली लीला राधा कुंड, ये दोनों भी सर्वोपरि है। मत्तः परतरम नान्यत, ऐसे कहा मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा भगवान भगवत गीता में कहे। तो वैसे ही राधा कुंड से कोई स्थान श्रेष्ठ नहीं है, न तो राधा कुंड के तट पर होने वाली लीलाओं से और कोई अधिक श्रेष्ठ लीला नहीं है। और बात तो सीधी सी या सरल सी है, इसका कारण यह है कि राधा ही है ऐसी, ऐसा विशेष व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी ऑफ राधा रानी, और उसका जो स्टेटस है उसकी जो श्रेणी है वही है सर्वोपरि। तो राधा राधा अद्वितीया कह सकते हैं, अद्वितीया अद्वितीय, दूसरा दूसरा कोई नहीं है राधा रानी जैसा,
मत्तः परतरम न अन्यत्। कृष्ण का है भगवत गीता में, तो राधा भी कह सकती मत्तः परतरम न अन्यत्, मुझसे भी कोई श्रेष्ठ नहीं है। या राधा को, क्योंकि राधा आराधना करती है इसलिए राधा कहलाती है। आराधिका आराधिका अनया आराधिका नूनम, कृष्ण की आराधना करने वाली इसलिए राधा। तो राधा राधे 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 जय जय श्री श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। तो ऐसी है राधा रानी। तो ऐसे राधा रानी का जन्मदिन अब एक ही दिन बाकी है, और ये जन्म मध्याह्न के समय दिन में होगा। मध्याह्न के समय कृष्ण का जन्म, मध्य रात्रि के समय और राधा रानी का जन्म मध्याह्न के समय संपन्न होगा। राधाष्टमी के दिन, वो दिन दूर नहीं है। जय राधा रानी इज कमिंग, राधा रानी आ रही है। हरी हरी, तो कीप चैंटिंग केशव, तो जब करते रहो। और भी राधाष्टमी की तैयारियां देखो अपने अपने मंदिरों में, या अपने अपने जहाँ तहाँ अपने अपने घरों में, या कोई अलग अलग आपके टीम्स है, ग्रुप्स है, या भक्ति वृक्ष के मेंबर इकट्ठे हो के करने वाले हो, जन्माष्टमी मनाने वाले हो। आई थिंक हमारे मंदिरों में संभावना है कि ये ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। परम करुणा, नागपुर में कैसी जन्माष्टमी राधाष्टमी, ऑनलाइन है कि केवल ऑनलाइन? या मंदिरों को अभी तक ऑफिशियली नहीं खोले हैं, रावण राज चल रहा है, तो रावण राज में या सब तो खुल रहा है लेकिन मंदिर नहीं खोले हैं। टेम्पल्स आर नॉट एसेंशियल। शराब शराब खुल गई, शराब की नदियाँ बह रही है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है, सरकार को बहुत दया आई। और वी वांट वाइन, वी वांट वाइन, हमको शराब चाहिए। शराब जो खराब है उसको अत्यावश्यक मान के सरकार ने वो जहर का पान तो पिला रही है सरकार सबको, लेकिन अमृत का पान पर प्रतिबंध लगाया है। देखो जमाना बदल गया, ऐसा सुनने में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जमाना बदल गया कि नहीं? और कहाँ है राम राज, ये तो रावण राज है। तो ऐसी स्थिति में वी कुड वट एवर बेस्ट वी कुड डू, तो ऑनलाइन, मोस्टली ऑनलाइन हमारे मंदिर इस्कॉन टेम्पल्स इसको मनाएंगे। तो आप भी अपने घरों में भी आप
मना सकते हो या राधाष्टमी का उत्सव मंदिर के साथ भी और अपना भी कुछ अलग से भी आप मना सकते हो. यस यू विल डू. तो खूब कीर्तन करो. जय द हरिणी. यू आर गोइंग टू डू समथिंग टुमारो. यू आर गेटिंग रेडी फॉर राधाष्टमी. तो क्या क्या करोगे देखो, क्या क्या कर सकते हो. सब कुछ करो राधा रानी का. Happy birthday to you, Radhe. तो फिर कौन आएंगे? फिर कन्हैया पहुंच जाएंगे राधाष्टमी. क्योंकि राधाष्टमी राधा का जब जन्म हुआ तो कन्हैया पहुंचे थे. तो आप भी मनाओगे राधाष्टमी तो मान लेना कि कृष्ण पहुंचे हैं. You are not the only one who is celebrating Radhashtami. इस celebration में VIPs आ जाते हैं, आमंत्रित होते हैं. कृष्ण भी आते हैं, जो बलराम भी आए थे, नंद यशोदा भी पहुंची थी और कीर्तिदार वृषभानु तो थे ही, उन्हीं की पुत्री है. वैसे सारा ब्रज पहुंचा था. जैसे कृष्ण जन्मे थे तो नंद के घर आनंद भयो, सारे ब्रजवासी पहुंचे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन. तो राधाष्टमी के दिन भी सारा ब्रज रावल गा पहुंचा था राधा को बधाई देने के लिए, राधा का स्वागत के लिए. हरी हरी. और राधा विशेष दया की दृष्टि होगी आपके ऊपर. राधा रानी शी इज़ गोइंग टू बी वेरी हैप्पी टुमारो. जब जन्म होगा तो बड़ी प्रसन्न होगी राधा रानी. प्रसन्न होके आप सबको विशेष अपनी कृपा की दृष्टि की वृष्टि करे. ऐसे राधा रानी राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना. ठीक है तो मिलते हैं, पुनः मिलामः. और प्रेमानंदे हरि हरि ओ बोलो श्री राधे श्याम.